छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में अनियमितता का मामला जोर शोर से उठा। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने अपनी सरकार को घेरते हुए जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर विभागीय मंत्री रामविचार नेतम ने स्वीकार किया है कि आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था और अनियमितता है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया है कि जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में आवासीय विद्यालय खोले गए थे, जहां 2012 से 2018 तक 10वीं 12वीं और परीक्षाओं के परिणाम 100% आ रहे थे। 2019 से 2023 तक परिणाम में काफी गिरावट आई है। इसका कारण यहां होने वाली शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता है, क्योंकि यहां राजनीतिक दलों से जुड़े अपात्र लोगों को नियुक्ति कर दी जाती है, जिसका असर परीक्षा परिणाम पर पड़ रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग भाजपा सदस्य ने किया है।